आज हम स्टार्ट करेंगे वेंचुरी मापी और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसके बाद स्यांता। तो वेंचुरी मापी क्या होता है, किसी भी पाइप के द्वारा, किसी भी पाइप के अंदर से जो द्रव का वहन होता है, किसी पाइप के अंदर से जो द्रव का वहन होता है तो उसका वेग मापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसी साधन को हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी मापी। मतलब किसी द्रव का वेग मापने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी मापी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेंचुरी मापी और उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था बर्नौली का सिद्धांत, उस टॉपिक का जो लास्ट फॉर्मूला आया था उसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकाल लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करके कोई भी पाइप के अंदर से जो वहन हो रहा होगा, पानी का जो वहन हो रहा होगा या तेल का जो वहन हो रहा होगा, उसका क्या कर सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि सर वेग निकाल के क्या करोगे, सर पाइप के अंदर से पानी आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है पानी आ रहा है, लेकिन अगर वेग के लिए देखें तो जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो ऑयल रिफाइनरीज होती है, जो पेट्रोल या डीजल बनाती है, तो उनके फैक्ट्री में अगर देखें तो वहां पे पाइपें लगी होती है, पाइप में से एक पाइप से पानी क्या होता है, पेट्रोल डीजल का क्या करते हैं, वहन करते एक जगह से दूसरी जगह, उसको स्थानांतरित करते प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना है कि कितने वेग से करोगे तो कितनी दूरी तक जा पाएगा, कि पानी का या पेट्रोल डीजल का वेग कितना होना चाहिए तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो गति कर सकता है, ठीक है। तो उन चीजों में उनका क्या होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए। तो उन चीजों का वेग मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वेंचुरी मापी का, ठीक है। तो फर्स्ट हम टॉपिक नोट डाउन करते, टॉपिक हमारा रहेगा वेंचुरी मापी, या फिर तुम इंग्लिश में बोलना बोल सकते हो वेंचुरी मीटर, दोनों लिख सकते वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर के लिए अगर हम देखें तो उसके चित्र की बात करें तो चित्र में कुछ भी बड़ी सी चीज नहीं होती, एक सिंपल सी पाइप होती है, लेकिन पाइप सिंपल सी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा एक डिजाइन होता है। किस तरह से होती है पाइप, क्या होती है, बीच में से थोड़ी संकरी होती है, इस तरह से एक पाइप का टुकड़ा सा होता है, और उसमें तुम अगर देखोगे तो दोनों सिरों से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं क्षेत्रफल, और बीच में क्या होता है, एक छोटा सा भाग दबा हुआ रहता है, संकरा भाग रहता है, और बस इसी ट्यूब का, इस आकार का जो ट्यूब रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी मापी बोलते हैं। और इसमें ना कोई साधन लगा होता है, ना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा होता है, कोई भी चीज लगी नहीं होती, सिर्फ इतनी सी चीज से हम क्या कर सकते हैं, वेग माप सकते हैं। लेकिन इतनी सी चीज से डायरेक्टली हमें वेग नहीं मिलता, इससे हमें क्या मिलता है, दूसरी चीजें मिलेगी, और फॉर्मूला में रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे देखें तो एक पाइप होगी, तो इसमें अगर तुम सीधी सी बात अगर देखो तो यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पे पानी ऐसे दबता हुआ जाएगा, इस तरह से आ रहा होगा, और यहाँ से पानी का वेग होगा, फिर वापस ऐसे पानी गति करने लगेगा, ठीक है, इस तरह से वहन हो रहा होगा पानी का इस दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखे तो बीच में अगर तुम सीधी सी बात अगर मैं तुम्हें पूछो तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे वेग ज्यादा होगा, यहाँ पे वेग कम होगा। कल भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, जैसे मान लो पानी की एक पाइप है, उसका मुंह बड़ा है, ठीक है, और उसमें से पानी आ रहा है, तो उसका वेग क्या होगा, जो पानी का वेग स्पीड होगी वो कैसी होगी, कम होगी। लेकिन उसी की पानी के पाइप को अगर तुम दबा देते हो तो पानी क्या होता है, दूर तक जाता है। जैसे गार्डन वगैरह में अगर हम पानी डालते तो एक नॉर्मली पाइप लेके डालोगे तो थोड़ी दूरी तक जाता है, लेकिन अगर उसी पाइप को तुम आगे से दबा देते हो तो पानी एकदम स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ निकलता है, मतलब वहां पे वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे तुम्हारा वेग कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे वेग कैसा होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे वेग कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग चीजें होंगी। अब यहाँ का जो वेग होगा उसके लिए पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम दर्शा देते हैं 2 से, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं उसको हम दर्शा देते हैं 1 से, ठीक है। अब इसके लिए जो चीजें होगी इसको 2 से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे जो वेग होगा उसको हम V2 से, और क्षेत्रफल को इसको हम दर्शा देते हैं स्मॉल a से। देखो A2 से और A1 से भी दर्शा सकते हो, बट तुम्हारे बुक में जो डेरिवेशन दिया उसमें स्मॉल a लिया, स्मॉल a मतलब छोटे का क्षेत्रफल और कैपिटल A मतलब बड़े भाग का क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो वेग होगा उसको हम दर्शा देते V1 से। तो इस पॉइंट के लिए वेग हो गया V1, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A, इस पॉइंट का जो वेग होगा यहाँ पे जो पानी का वहन होगा उसको V2, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसको हमने दर्शा दिया स्मॉल a से, ठीक है। और इसको कहाँ लगाएंगे, कोई ना कोई ऊंचाई पे लगाओगे, उसके लिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गए हमारी सतह, ठीक है, जमीन, और इससे अगर ऊंचाई देखे तो ऊंचाई लगभग दोनों के लिए कैसी होगी, समान होगी। इसके लिए अगर ऊंचाई h है तो इसके लिए ऊंचाई कैसी होगी, h होगी, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, बर्नौली का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा देते हैं, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, P1, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। इस पॉइंट के लिए लिखोगे तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस
क्या रहेगा, रो जी एच। अब देखो एच वन और एच टू लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के लिए हाइट सेम ऊंचाई समान है, तो इसके लिए ऊंचाई एच है तो इसके लिए ऊंचाई क्या रहेगी, एच बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेयर प्लस रो जी एच। अब देखो दोनों में से अगर यहां से पानी जा रहा तो यहां से भी पानी जा रहा होगा, यहाँ पे जी का मान अगर 9.8 है तो इस पॉइंट के लिए भी जी का मान 9.8 होगा, तो रो जी एच दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेयर बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वेयर। ठीक है, देखो एक एक स्टेप कैंसिल हो गया, अब बचा इतना। हम क्या करते आएंगे, धीरे धीरे फॉर्मूला को छोटा बनाते आएंगे, और किसको करता करेंगे, फॉर्मूला किसके लिए निकालना है, वी वन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, हमें फॉर्मूला लास्ट में डिराइव किसके लिए करना है, वी वन के लिए। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, देखो तो एक छोटा सा नियम और आता है जिसको हम बोलते हैं सात्यता का नियम। ठीक है, वो चीज याद रखना, देखो यहीं पे लिख देते, एक हमारा छोटा सा नियम और आता है जिसको बोलते हैं सात्यता का नियम। देखो ये चीज तुमने पढ़ी है लेकिन उसके लिए नियम नहीं सूत्र नहीं देखा होगा, सूत्र के लिए अभी, नियम के लिए अभी हमने एक चीज देखी थी कि पानी की पाइप उसका क्षेत्रफल ज्यादा तो उसमें वेग कम होता है पानी का, उसी क्षेत्रफल को तुम दबा देते हो कम कर देते हो तो पानी का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी को अगर समीकरण के स्वरूप में लिखना हो तो उसके लिए समीकरण का स्वरूप हमारा होता है इस तरह से, ए वन वी वन। देखो तो ए वन वी वन मतलब इसका क्षेत्रफल ए और उसके लिए जो वेग है वी वन किसके बराबर होता है, छोटे वाले क्षेत्रफल का ए और वी टू। अब यहां से क्या बोल सकते हो, इन दोनों का गुणाकार हमेशा कैसा रहता है, नियतता। क्या बोल सकते हो, नियत। मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा करोगे तो वेग कम और क्षेत्रफल कम करोगे तो वेग कैसा होता है, ज्यादा। बस इसी को क्या बोलते हैं, सात्यता का नियम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें वी टू को करता करना है। अब वी टू को तुम करता करोगे तो वी टू बराबर ए मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। यहां से वी टू बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू वी वन अपॉन ए। तब वी टू की जगह पे ये मान रख देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो देखो तो वी टू की जगह पे ये मान रख देते तो हमारा फॉर्मूला कुछ बनेगा ऐसा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वेयर बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू। अब देखो वी टू की जगह पे क्या लिखेंगे, ए वी वन ए, बट वी टू का स्क्वेयर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर करोगे ये हो जाएगा ए का स्क्वेयर। ठीक है, वी वन का स्क्वेयर बटे में ए का स्क्वेयर। अब देखो इधर भी वी वन स्क्वायर है, इधर भी वी वन स्क्वायर, तो वी वन स्क्वायर वाले को पहले क्या कर देते हैं, हम एक साइड कर देते हैं। ठीक है, वी वन स्क्वायर वाले को एक साइड लेके जाते हैं, दबाव वाले को पी वाले को एक साइड लेके जाते हैं, तो पी टू को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा पी वन माइनस पी टू, और ये प्लस को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो उधर क्या बचेगा, हाफ रो ए स्क्वायर वी वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये प्लस उधर गया तो माइनस हाफ रो वी वन स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जितना कॉमन निकल सकता है निकाल लो, क्या क्या कॉमन निकलेगा, यहां से एक देखोगे तो रो कॉमन निकल जाएगा, वी वन स्क्वेयर कॉमन, रो वी वन स्क्वेयर कॉमन निकल गया, तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर, और इधर कॉमन पूरा निकल गया तो इधर क्या बचा, वन। ठीक, चलो इतनी सीधी बात हो गई है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो P1 और P2, P1 मतलब इस बिंदु का दाब और P2 मतलब इस बिंदु का दाब, और क्षेत्रफल कम होगा या ज्यादा होगा, वेग कम होगा या ज्यादा होगा, तो उससे दबाव में भी तो फर्क पड़ेगा, दबाव भी तो कम ज्यादा होगा। तो दबाव मापने के लिए क्या करेंगे, हमने एक साधन ऑलरेडी बनाया था, ठीक है, क्या था, यूट्यूब मैनोमीटर हमने आगे पढ़ा है, उसी का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। यूट्यूब मैनोमीटर में तुम्हारा क्या होगा, इस तरह की ट्यूब रहती है यू आकार की, ऐसी तरह से हम क्या करते हैं, ट्यूब बना देते हैं यू आकार की। ठीक है, जब इसमें से पानी का वहन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तब इसमें से देखो क्या कर देते हैं, एक कोई द्रव भर देते हैं, ठीक है, कोई द्रव भर दिया जैसे। अब नॉर्मल में जब तक इसको दोनों यहां से हमने क्या किया, बंद करके रखा होगा, ठीक है, जब तक हमने ऊपर से इसको बंद करके रखा होगा तो दोनों में पानी का लेवल कैसे होगा, बराबर रहेगा, दोनों तरफ की ट्यूब में पानी का लेवल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो मतलब दोनों के बीच का अंतर दाबांतर कितना होगा, जीरो। ठीक है, दोनों के बीच का दाबांतर कितना रहेगा यहाँ पे, जीरो। देखो तो दाबांतर मापने के लिए मतलब पी वन माइनस पी टू, मतलब पी वन और पी टू बिंदुओं के बीच का जो दाब का अंतर है, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो उसके लिए अगर जैसे ही तुम यहां से इसका ये वाल है ओपन करोगे, यहां से ये वाल ओपन करोगे तो दोनों तरफ से क्या होगा, द्रव अंदर जाएगा, तो द्रव अंदर जाएगा तो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखना है,
जैसे हमने किसके लिए याद रखा है, जैसे हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने नियम याद रखा है किसके लिए, सातत्य के नियम के लिए, ठीक है, सातत्य के नियम के लिए। तो यहां से एक चीज देखनी है कि सातत्य के नियम में जैसे हमने देखा क्षेत्रफल कम है तो वेग ज्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो वेग कम है, उसी तरह से दाब के लिए भी होता है, दाब के लिए भी होगा, अगर यहाँ पे वेग ज्यादा है तो पानी एकदम स्पीड से आगे निकल जाएगा और उसके अंदर पानी क्या होगा, कम आएगा, और यहाँ पे पानी का वेग कम होगा, पानी ज्यादा है तो पानी अंदर की तरफ पाइप के अंदर या यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर क्या होगा, ज्यादा जाएगा, इस भाग में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इस भाग में पानी की मात्रा कम होगी, तो इधर से दाब लगेगा तो ये लिक्विड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, उस तरफ का दाब नीचे होता जाएगा, तो हमारा फाइनल चित्र कुछ ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा लिक्विड क्या हो जाएगा ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये लिक्विड यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, और बाकी के भाग में यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, द्रव, द्रव मतलब पानी जो यहाँ से भर के रखा था वो पानी अंदर आ जाएगा और उसकी दाब की वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे चला गया और ये थोड़ा सा भाग क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ अंतर मिल रहा है और इस अंतर को क्या बोल देते हम एच, और दाब के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था पी इज इक्वल टू होता है रो जी एच, दाब के लिए हमारा सूत्र क्या होता है पी इज इक्वल टू रो जी एच, तो रो हमें पता है अंदर हमने जो भी मटेरियल भरा होगा, जैसे अब कम घनत्व के लिए हम क्या कर सकते हैं पानी तारे को यूज कर सकते हैं और ज्यादा घनत्व के लिए हम पारे का उपयोग करते हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी ले लेते हैं इसका जो घनत्व है रोन, रो हमें पता है, पारे का बता भी देते हैं, पारे का घनत्व होता है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब फिक्स है, ठीक है, तो रो एम हमें पता है, जी पता है और एच अगर यहाँ से निकाले कि दोनों के बीच में कितना ऊंचाई में अंतर है तो हमें क्या मिल जाएगा, दाब मिल जाएगा, तो यहाँ से एक चीज हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा रो एम जी एच, दोनों के बीच में कितना दाब अंतर है, तो रो जी एच होता है, रो मतलब उसके अंदर जो द्रव भरा होगा उसका घनत्व, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और एच मतलब दोनों के बीच के जो अंतर होगी ऊंचाई जो होगी, ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा रो जी एच। देखो ये ऊंचाई अलग थी, ये ऊंचाई अलग है, ठीक है, मैनोमीटर के लिए बोलते हैं, नहीं हो तो मैनोमीटर टॉपिक एक बार देख लेना, वहां से हमने ये चीज देखी थी कि हमने ऊंचाई मापते हैं, ऊंचाई से हम दाब निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देखो तो ये हो गया रो जी एच। अब कुछ नहीं करना है, अब V1 स्क्वायर हमें करता करना है, तो ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, और ये भी मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, तो हमारा V1 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो जी एच। अब देखो यहाँ एम लिखना ये मैनोमीटर के लिए, ठीक है, और ये रो कौन सा रहेगा, जो पाइप के अंदर से पानी का वहन हो रहा है, ठीक है, तो ये रो गया डिवाइड में, और ये टू कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, टू डिवाइड में रो, और ये अब देखो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, और स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और देखो ये डिवाइड में, तो इसको अगर ऊपर लेके जाना हो तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हो, V1 बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, टू रो एम जी एच बटे रो, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वन, और इसकी वन माइनस का, ठीक है, और बुक में देखो तो अगर यहाँ पे देखोगे तो माइनस वन नहीं लिखा होगा, माइनस वन की जगह माइनस वन बाई टू लिखा होगा, तो माइनस वन बाई टू मतलब वर्गमूल में से अगर बाहर निकालना, तो वर्गमूल में से अगर बाहर निकालना या वर्गमूल की जगह तुम्हें कोई घात लिखनी हो तो उसकी जगह लिखते हैं 1/2, लेकिन माइनस है तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, माइनस 1/2, देखो वो फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, कुछ बुक में ऐसा दिया हुआ तुम्हारी बुक में, रो एम जी एच अपॉन रो, और इधर आ जाएगा ए स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर माइनस वन का माइनस 1/2, ठीक है। देखो अब यहां से हमें क्या करना है, ये हमें क्या निकालना, वेग निकालना था, V1 हमें ज्ञात करना है, V1 ज्ञात करने के लिए रो एम होना चाहिए, जी होना चाहिए, एच होना चाहिए, तो वो सब चीजें हम निकाल सकते हैं कि अंदर से मान लो जैसे पानी का वहन हो रहा है तो पानी का घनत्व, और रो एम मतलब इसके अंदर पारा भरा है तो पारे का घनत्व जी 9.8, और एच मतलब दोनों के बीच की हम ऊंचाई भी स्केल से माप सकते हो, और ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इसकी त्रिज्या हम आप लोग वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से त्रिज्या मिलेगी, तो त्रिज्या से क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मिल जाएगा, सभी चीजें मिलेगी, तो तुम यहाँ से क्या आप कर सकते हो, वेग निकाल सकते हो कि इसमें से जो पानी का वहन हो रहा होगा कितने वेग से हो रहा होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा डेरिवेशन, और यही मोस्ट टाइम पीट टॉपिक है, बर्नौली का सिद्धांत पूछेंगे या बर्नौली का सिद्धांत अगर ना पूछना हो तो उसकी जगह ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और मोस्ट टाइम पीट टॉपिक है, इजीली टॉपिक है, और याद रखे, ठीक है, और नोट डाउन कर ले,
ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।